नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी में। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर के जो एग्जाम का सिलेबस है उसके बारे में। तो उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि कोई भी सिलेबस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया है, तो जो भी मैंने सिलेबस ऐड किया है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देख के, उनमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देख के ऐड किया है। तो किसी को अगर इंटरेस्ट ना हो तो वो वीडियो को यहीं पर कट कर सकता है, क्योंकि मैंने जो सिलेबस ऐड किया है वो प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पे किया है, ठीक है। कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है सिलेबस को लेके कि सिलेबस में ये आएगा ये टॉपिक, सिर्फ टॉपिक्स के नाम है, ठीक है। एक हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, जीके और करंट अफेयर ये दिया हुआ है, अंडर उसके कुछ नहीं दिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बेस पे मैंने यहाँ पर ऐड किया है, तो जो चाहता है देखना वो देख सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल जीके की, ठीक है। और इसके बारे में बात करने से पहले एक और बात कि यहाँ पर मैंने बहुत से टॉपिक्स ऐड नहीं किए हैं, तो मैं आपको बोल के बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को देखें भी और सुने भी, कहीं आप ऐसा ना करें कि वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बहुत से कई बार स्किप भी हो जाता है माइंड से जो आपको बताना होता है, तो इसलिए वीडियो को भी ध्यान से सुनिएगा। और एक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब जो नेक्स्ट वीडियोस मैं बनाऊं वो किस टॉपिक्स पे बनाऊं, कि हिमाचल से शुरू करें या फिर इंडियन जीके से शुरू करें, तो वो सब आप कमेंट करके बता दीजिएगा। क्योंकि हिमाचल का अभी भी आपने पढ़ा है, जिनका भी आज एग्जाम है आप उससे फैमिलियर हैं, तो मैं सोच रहा था कि इंडियन जीके से शुरू करें, क्योंकि जीके, इंडियन जीके भी इसमें बहुत पूछी जाएगी, मतलब बहुत तो क्या 85 मार्क्स में, बट पूछी ही जाएगी। आप ये तो नहीं कर सकते आपकी 85 नंबर का है तो आप कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही पढ़ें, ठीक है। पढ़ना तो आपको सब कुछ ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बताया नहीं गया है कि क्या क्या टॉपिक आएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर हिमाचल जीके की। तो अगर हिमाचल जीके की बात करें तो हिस्ट्री में आपको डेट्स याद करनी होंगी, ठीक है। और बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज, यहाँ पर मैंने डिस्ट्रिक्ट ऐड किया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको हिस्ट्री याद करनी होगी, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन है, ज्यादा आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे पूछा तो डीपली ही जाता है, बट जो मेन है, जो आपको लगता है कि प्रीवियस में पूछे गए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उस बारे में पढ़िए, ज्यादा आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है। जो आपको लगता है कि हाँ ये पूछा जा सकता है, ठीक है, तो उस बारे में पढ़िए। फिर नेक्स्ट है ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में जो है रिवर्स से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, लेक से, फेस्टिवल से, स्पोर्ट्स से, यानी कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से स्पोर्ट्स से, मतलब कौन कौन से स्पोर्ट्स में हिमाचल से कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो लेटेस्ट हैं वो भी, और जो सबसे पहले थे वो भी। इलेक्शंस, ठीक है, इलेक्शन से ऐसा है क्योंकि इलेक्शंस अभी चल रहे हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, मतलब अब चलने वाले हैं तो इलेक्शंस के बाद ही एग्जाम होंगे। बुक्स, ठीक है, पासिस यानी कि दर्रे, इकोनॉमी, ठीक है, कितने टन फल का उत्पादन हुआ, क्या कुछ चल रहा है, ठीक है, 2011 के अनुसार कितना हुआ था, 2001 के अनुसार कितना होता, सबसे पहले कितना होता, ये सब कुछ डिस्ट्रिक्ट का मैंने आपको बताई दिया है। इकोनॉमिकल सर्वे, ठीक है, इसके ऊपर मैंने वीडियो डाली है, ये बहुत जरूरी है। हिमाचल बजट, थोड़ी स्पेलिंग गलत होगी, हिमाचल बजट आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके ऊपर भी मैं एक बना दूंगा। इकोनॉमिकल सर्वे के ऊपर मैंने बनाई है, ठीक है, बजट के ऊपर बनाई है। और मिसलिनियस में आपके पास आ जाती है, जैसे कि खेल कूद से रिलेटेड, ठीक है, बाकी जो आर्ट एंड कल्चर बसता है, ठीक है, डैम्स बसते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर ऐड किया है। इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स हो गए, और मिसलिनियस क्वेश्चंस में आपके पास हो गए आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, कौन सी लैंग्वेजेस कहाँ कहाँ यूज की जाती हैं, ठीक है, कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं, ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेबल का एग्जाम नहीं है, ये है सब इंस्पेक्टर का, तो इसमें थोड़ा लेवल हाई आता है, ठीक है। बट अगर आप इन सबको कर लेते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाएगा कि आपको इतना तो आता है, बाकी जो एक्स्ट्रा बचता है फिर आप वो कर सकते हो, बट आपके पास टाइम बहुत है, ठीक है, तो टाइम अच्छा ही है आपके पास, क्योंकि इलेक्शन के बाद एग्जाम होना है, ठीक है। तो आप अगर आपसे भी तैयारी शुरू करते हो, और हिमाचल के लिए जो कैंडिडेट पढ़ रहे हैं कॉन्स्टेबल का, जिन्होंने एग्जाम दिया है, अगर उन्होंने सेम पुलिस का SI का भी भरा है, तो उनके लिए एक अच्छी वो बात है कि आपने पहले भी हिमाचल का पढ़ा है और आप आगे भी उसका पढ़ोगे, तो इतना आपको ज्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ इंडियन जीके पे फोकस करना है, बाकी आपको इनको रिवाइज करना है, ठीक है। और जो नहीं पढ़ा है उनको पढ़ना है। तो रिवर्स, लेक्स, फेस्टिवल, स्पोर्ट्स, इलेक्शन, बुक्स, पासिस, इकोनॉमिकल इकोनॉमी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इकोनॉमिकल सर्वे और हिमाचल बजट, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये। और 2011 की जनगणना, ठीक है, 2011 की जनगणना भी जरूर पढ़नी है, ठीक है। बहुत से स्किप हो जाते हैं माइंड से जब मैं ये बनाता हूँ वीडियो,
या टाइप इसके लिए जो नोट्स बनाता हूँ, तो 2011 की जनगणना भी पढ़नी है कि उस 2011 के अनुसार बिलासपुर की जनसंख्या या में जनसंख्या वृद्धि कितनी थी, ठीक है, या वो रेशो कितनी थी, सेक्स रेशो कितनी थी, या वो लिटरेसी कितनी थी, तो ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन जीके की। इंडियन जीके में अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो माउंटेन्स, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है, ठीक है, इंडिया में, रिवर्स कौन कौन सी बहती है, ठीक है, और कहां से निकलती है, ठीक है, एक तो रिवर्स का कौन कौन सी है मेंस, ठीक है, और निकलती कहां से और कहां जाकर मिलती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है रिवर्स के बारे में कि कहां से उनका उद्गम स्थान है और वो कहां पर जाके मिलती है, ठीक है ना। लेक्स, ठीक है, सबसे बड़ी लेक कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, मीठे की, ठीक है, खारे पानी की, ठीक है, और कौन सी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लेक्स कहां पर पड़ती है, ठीक है। फिर नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पासिस दर्रे, ठीक है, कौन कौन सा दर्रा कहां पर पड़ता है, नाथुला, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दर्रे वो पर, ठीक है। मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज, कौन कौन से उद्योग कहां पर है, ठीक है, मतलब लोह कारखाना सबसे पहले कहां खुला था, कागज उद्योग सबसे पहले कहां पर खुला था, सबसे पहले, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में सबसे पहले जरूर पढ़ना है, ठीक है। और जो इंडिया में एक या दो ही होते हैं, ठीक है, जिन चीजों के उद्योग एक और दो ही हैं, ठीक है, उनके बारे में इकोनॉमी आपको पढ़नी है, ठीक है। टेम्पल्स जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, डैम्स, ठीक है। इसके बाद जनजातियां, ठीक है, जनजातियां भी आपको पढ़नी है, ठीक है, कौन कौन सी कहां पर पाई जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देख लीजिए कि फिर जब आप इन सबको याद कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपके पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपके पास हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में आपके पास आता है, देखिए, बुद्ध के बारे में हिस्ट्री, ठीक है, जैन धर्म के बारे में हिस्ट्री, और किसने कब आक्रमण किया था, तो अगर इन बात को देखें तो डीपली, बहुत डीपली ये चला जाता है, ठीक है। तो इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस की मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो आप उसमें देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको पता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं तो आप पढ़ सकते हो। बाकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको समवर्ती सूची, आर्टिकल्स, ठीक है, नीति आयोग कब बना था, इलेक्शन के बारे में, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। बुक्स, जो जो बुक्स लेटेस्ट चल रही है तो वो, और जो जो इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने कौन सी लिखी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी लिखी थी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कौन सी लिखी थी, ये सब। अवार्ड्स, सबसे पहले अवार्ड किसको दिए गए थे, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, अशोक हो, चाहे वो आर्मी से रिलेटेड अवार्ड्स हो, सारे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, कहां पर उसके हेडक्वार्टर है और कौन उनका सीईओ या एमडी है। बैंकिंग से रिलेटेड आपको ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बस ये याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा कि किस बैंक की स्थापना कब हुई थी, कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की गई है और कब, पहले सबसे पहले कब लॉन्च की गई थी और अब नई स्कीम्स कौन सी लॉन्च की गई है। सीएम और गवर्नर भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से गवर्नर और सीएम्स कहां कहां के हैं, कौन कौन से अब नए चेंज हुए हैं, तो ये सब आता है इंडियन जीके के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस की अगर बात करें तो ब्रांचेस, साइंस साइंस की कौन सी ब्रांचेस है, ठीक है, मतलब कौन सी ब्रांच किस के साथ डील करती है वो आपको याद रखना है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किसके लिए यूज होता है। इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स, ठीक है, कौन सी खोज की गई है और उसके खोजकर्ता कौन थे, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है विटामिन के ऊपर, ठीक है, विटामिन कौन कौन से विटामिन होते हैं, उनका रासायनिक नाम, इसके ऊपर भी, इन दोनों के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो। डिजीजेस एंड प्रिवेंशन, कौन सी डिजीज कौन से अंग को प्रभावित करती है बॉडी के और उनसे रिलेटेड प्रिवेंशन कौन क्या क्या कर सकते हैं ये, और मिसलिनियस में आपके पास बाकी क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको पता ही है साइंस में कौन कौन से आते हैं, बट ये जो मेन है ये मेन क्वेश्चंस है जिसमें आपसे पूछे जाएंगे, मेनली आपसे आपके पास इनमें से पूछे जाएंगे। बाकी जब आप इनको कर लेते हो तो आप एक बार कोई भी जो आपने बुक प्रेफर कर रखी है उसको उसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख सकते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में अवार्ड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कीम्स, लेटेस्ट बुक्स जो भी बुक्स निकली है, जैसे पिछले साल ही आई थिंक ऋषि कपूर ने निकाली थी खुल्लम खुल्ला टाइप की, तो ऐसे जो जो सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने कौन कौन सी बुक्स निकाली है या कौन कौन सी लॉन्च हुई है। इंपॉर्टेंट डेट्स, मतलब जब भी आपका एग्जाम हो उससे एक दो पहले की। स्पोर्ट्स, ठीक है, और मिसलिनियस, ये आपको करंट अफेयर के बारे में मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा करंट अफेयर्स के बारे में कौन कौन से पढ़ने पड़ते हैं। तो बाकी अब बात करते हैं नेक्स्ट इंग्लिश की। तो इंग्लिश में सिनोनियम्स, फ्रेजेस, ठीक है, मुहावरे यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, ठीक है, दोनों ऊपर लिख दिया था मैंने। ग्रामर में सबसे मेन है, आपको पता ही है, टेंसेस, ठीक है, टेंसेस आपको जरूर पढ़ने हैं। वोकैबुलरी, ठीक है, प्रेपोजिशन, एक्टिव पैसिव और मॉडल्स, इनमें जो अब मेन जो है पढ़ने आपको सारे हैं, कोई से भी। अब ये नहीं है जरूरी कि आपका इन सारों में से पूछा जाएगा, हो सकता है आपका पहले चार में से पूछा जाए, हो सकता है आपका इन
तीन में से पूछा जाए और इन तीन में से पूछा जाए, तो आपको पढ़ने तो सारे पढ़ेंगे, आप रिस्क कोई नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस में कोई कुछ नहीं बताया गया है, सारा सिंपल दी गई है कि इंग्लिश, ठीक है, आपको दिया है प्लस टू लेवल की इंग्लिश, ठीक है, तो प्लस टू लेवल की इंग्लिश में तो आप इससे भी ज्यादा टॉपिक्स हैं, करने तो आपको सारे पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने प्री बोला है प्लस टू इंग्लिश की, मतलब प्लस टू इंग्लिश लेवल, तो मतलब प्लस टू लेवल की इंग्लिश आएगी आपके पास, तो आपको करने तो सारे टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, अगर आपकी मर्जी है, बाकी आप चाहे इसमें से पूछना कीजिए, आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है, बट मुझे जो लगता है, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग इतने लगते हैं इंपॉर्टेंट मुझे, क्योंकि आपसे जो मेन है वो है आपका ग्रामर, मेन मेन आपको मैं और भी बता देता हूँ, इसमें से भी मेन से निकाल देता हूँ, ग्रामर, ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर आता है प्रेपोजिशन, फिर आता है मॉडल्स, ये तीन, इसको एक बार मैं वॉश ही कर देता हूँ, आपको अगर ढंग से नजर नहीं आ रहा है, देखिए सबसे पहले क्या है, एक तो ये हो गया प्रेपोजिशन मेन, मॉडल्स, ग्रामर, ठीक है, अब क्या है कि देखिए, अब ये चीज और एक्टिव पैसिव, ठीक है, और एक और मान लीजिए आप इसमें से प्रोनाउंस, ठीक है, और नाउंस, प्रोनाउंस और नाउंस, ठीक है, तो अब ये अगर आप चीज कर लेते हो तो ये चीजें आपकी अपना कवर हो जाती है, सिर्फ मुहावरों को छोड़ के, ठीक है, और एंटोनियम और सिनोनिम्स को छोड़ के, ठीक है, बाकी आपकी पूरी खुद ही कवर हो जाएगी, अगर आप ग्रामर में कर लेते हो टेंसेस, ठीक है, टेंसेज आप कर लेते हो, एक्टिव पैसिव कर लेते हो, मॉडल्स और प्रेपोजिशन, जब आपके ये टॉपिक कवर हो जाएगा तो आपको पता लगेगा कि अगर आप कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो तो उसमें सारा काम किसका है, टेंसेज का, तभी तो आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ आएगी, तभी आप उसका आंसर निकाल पाओगे जब आपको टेंसेज पता होंगे। एरर डिटेक्शन की बात करें तो अगर कहीं पर प्रेपोजिशन अच्छे से यूज आपको करनी आती होगी तो ही आप एरर डिटेक्ट कर पाओगे कि नहीं यहाँ पर ऐसा या ऐसा होना चाहिए, वैसे ही मॉडल्स का है, वैसे प्रोनाउंस का है और वैसे ही नाउंस का है, तो आपको ये पहले टॉपिक कवर करने हैं, उसके बाद इनके ऊपर जाना है प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी की, हिंदी में आपको पता ही है हिंदी में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है, समास, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, मुहावरे, क्रिया, अनेकार्थिक शब्द, पर्यायवाचिक शब्द, अलंकार शब्द और विलोम शब्द, शब्द तत्मस और तद्भव शब्द होते हैं, तो और एक और अनेकार, एक होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप, ठीक है, मतलब एक पूरी लाइन के लिए एक वर्ड, तो इनमें से ही आपके पास आएंगे, तो अगर जो पुलिस का जिसे आपने एग्जाम की तैयारी की होगी या पहले भी किसी भी एग्जाम की तैयारी की हुई तो समास, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, मुहावरे आपने पढ़े ही होंगे, ठीक है, मेन आपने अगर पढ़ा नहीं होगा तो अलंकार, अगर बहुतों ने ये भी पढ़ा होगा तो अलंकार को आप पढ़िए, बाकी इनको रोज रिवाइज करिए, मुहावरों के ऊपर जरा ध्यान दीजिए, रोज नए नए मुहावरे पढ़िए, आप नेट का यूज कर सकते हो, बुक्स का यूज कर सकते हो, और बाकी अपनी तैयारी को पूरा रखिए। तो यही सिलेबस था जो प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पे मैंने बनाया है, जिस जिससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इन सभी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब ये नहीं है जरूरी, अब मान लीजिए हम बात करें अगर इंडियन जीके की, ठीक है, तो अगर प्रीवियस एग्जाम की बात करें तो उसमें पूछ लिया, मान लो माउंटेन पूछ लिया, ठीक है, माउंटेन पूछ लिया और डैम्स से पूछ लिया, माउंटेन से पूछ लिया और पासिस से पूछ लिया, ठीक है, या फिर इकोनॉमी से पूछ लिया, अब जरूरी नहीं है कि अब जो एग्जाम होगा उनमें इन तीनों से पूछा, चारों से पूछेगा, हो सकता है उसमें रिवर्स लेक्स और नेशनल पार्क पूछ ली जाए या फिर टेम्पल और आर्ट कल्चर पूछ ली जाए, बट इसके बेस पे आप ये तो नहीं कर सकते ना कि इस बार यही पढ़ के जाएं, मान लीजिए आप इस बार यही टॉपिक पढ़ के गए और पूछ लिया इसमें से, ठीक है, तो आपको एक खुद ही बैड फील होगा कि मैं पढ़ के नहीं आया, ठीक है, इससे बेटर यह है कि आप पूरी तैयारी करके जाइए, आपके पास टाइम है, अपनी तरफ से फोकस करके जाइए, अच्छे से पूरे टॉपिक्स करके जाइए, आपको एक कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि क्वेश्चन जहां मर्जी जाए, मुझे तो पूरा सिलेबस आता ही है, ठीक है, इंडियन जीके में से जितना जितना पढ़ना था मुझे सब कुछ आता है, नहीं भी आया तो आएगा तो इसी के अंदर से कर लूंगा, बट अगर आप नहीं करके जाओगे तो आपको ये रहेगा कि हाय मैंने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है या मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो कहीं उसमें से आ गया तो टेंशन, उसमें से आ गया तो टेंशन, इसलिए आपको फोकस करके पढ़ना होगा, ठीक है, बाकी आपको मैंने सारा सिलेबस बता दिया है जो जो इंपॉर्टेंट है, तो आपसे लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो कैसी लगी या ना लगी अच्छी वो आप बाद में बताइएगा, बट ये जरूर बता देगा कि नेक्स्ट वीडियोस हम किस पे शुरू करें, हिमाचल जीके पे शुरू करें या फिर इंडियन जीके पे, अगर मैं अपना थॉट बताऊं तो मैं सोच रहा हूं कि इंडियन जीके से शुरू करें, आप टॉपिक्स मुझे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हिमाचल जीके आपने फैमिलियर हो, आपने पढ़ी है, तो उसके हम बीच बीच में 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डाल दिया करेंगे, बाकी जो इंडियन जीके है उसमें आपको पता है बहुत है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनानी सोच रहा हूं, बाकी आप जैसा लोग कहेंगे वैसा होगा, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना भूलिएगा मत, कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कंफ्यूज हूं खुद की वीडियो किस पे बनाऊं आगे, तो और अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू सो मच।